आरके जी, जोहर साहब का, बहल साहब का, अहुजा साहब का, ये तीनों कार्ड आपने देने हैं। ठीक है भाई साहब। और अनिल जी, आपने आपने कौन कौन से कार्ड बांट दिए, कितने रह गए हैं आपके? मैंने तो अपने सारे कार्ड बांट दिए हैं, कुरियर वाले चले गए, सिर्फ एक 78 रोड का रह गया है। अरे भाई साहब, ग्रोवर साहब को बुला रहे हो, उसके भाई को तो अलग से बुलाना पड़ेगा। अरे उसको कैसे कार्ड देंगे, घर पर तो मिलते नहीं है, जब भी जा कहीं आउट ऑफ इंडिया आते, कहीं बैंकॉक होते, कभी थाईलैंड होते हैं। और ये 90 नंबर पे जो है ना मिसेस सोनी, तो इसको अगर बुला रहे हो भाई साहब, तो फिर ना मेरी ये जो मासी की लड़की है जो बसंत कुंज में रहती है, उसको बुलाना पड़ेगा। ये दोनों ना किटी फ्रेंड्स हैं, तो उसको बुलाओगे तो उसको बुलाना पड़ेगा। किटी फ्रेंड्स हैं तो बुलाना ही पड़ेगा फिर तो। ये 87 नंबर वाले बहुत बढ़िया हैं, शादी में आते हैं, खाएंगे पियेंगे इंजॉय करेंगे। पिछली बार मेरे मेरे को शादी की बात कर रहे थे, बड़ी तारीफ करते रहते हैं, हर बार मिलेंगे नई नई बार, 3-4 बार मिले, अलग अलग तरह से तारीफ करते हैं शादी की। ये तो मैं भी एग्री करती हूँ, जहाँ मिलते हैं तारीफ ही करते हैं। तो भाई मैंने जो हिसाब लगाया है, अभी तुम्हारे तो हो गए 54 आदमी अनिल जी, और आरके जी आपके 32 हो गए हैं। आप अपने सारे मिलके नंबर फ्रीज करो, ताकि हम लोगों को कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करें। अनिल जी, घोड़ी का पूरा अरेंजमेंट मैंने आपके जिम्मे छोड़ा है, घोड़ी का पूरा अरेंजमेंट आपने करना है। ठीक है भाई साहब, घोड़ी और बैंड का अरेंजमेंट मैं करूंगा। घोड़ी मंगवाई है मैंने हरिद्वार से, बहुत ही धार्मिक किस्म की घोड़ी है। अरे अरे, यदि वो इतनी धार्मिक है तो व्रत रखती होगी, व्रत रखती है तो उसके लिए चने की दाल नहीं, साबूदाने की तैयारी करते हैं। भाई घोड़ी का करेक्टर वैक्टर चेक कर लियो। करेक्टर भाई, उसका स्वभाव क्या है? शांत स्वभाव की है, अच्छी नस्ल की है, किसी घोड़े वोड़े के साथ तो नहीं भागी, कहीं लड़का छोड़ के घोड़े के साथ भाग जाए। घोड़ी को डालने वाला सुरमा मंगा लिया है। घोड़ी को नहीं डालना, भाभी को डाल ले। ऐसा ऐसा है, दूल्हे को डालती है भाभी सुरमा, घोड़ी को डाल दे। नेहा कहती है, नेहा की शादी में, नेहा की शादी में, ये एक्चुअली उसकी शादी में, अमित की शादी में नेहा को ड्यूटी दी गई, आपको सुरमा डालना है। जब घोड़ी घोड़ी पे, तो वो पूरी मार्केट में घोड़ी के ऊपर डालने वाला सुरमा ढूंढती है, घोड़ी का सुरमा डालना है, वो बार बार ढूंढे, घोड़ी को डालने वाला सुरमा नहीं है। देखो भाई साहब, घोड़ी और बैंड का तो मैंने कर लिया है, अब हम सारे अरेंजमेंट्स को एक बार रन डाउन कर लेते हैं, किस किस की क्या क्या ड्यूटीज हैं। आरपी जी को थोड़ा फ्री रख देते हैं, इनके ऊपर कम काम की रिस्पॉन्स है, बाकी हम बांट लेते हैं। ठीक है, ठीक है। फोटोग्राफर, डेकोर, एंटरटेनमेंट, एमसी का, कपड़े, पंडित, पूजा का सामान, ज्वेलरी, कुछ कैश, नए नोट, पगड़ियां, सेहरा, गिफ्ट्स, प्लेटर भी कुछ लाने होंगे, गाना, भाजी, और देखो सबसे इम्पोर्टेंट, ये विस्की का अरेंजमेंट जो है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, इसका अरेंजमेंट कौन कर रहा है? विस्की की बहुत चिंता मत कर, बहुत लोग लाने आ जाएगी।